We will go to Mr. Manish Daga, finally, Cotton Guru. So, you please give your point of view. Thank you. And I thank City for this wonderful opportunity. And I congratulate all of you who are associated with the textile industry. This industry has given so much to this country, to its economy, and also to its society. Our kisan bhai behno ko sadar naman, aapke bina hamara astitva shakya nahi tha. Anaj ho ya kapas, kisi bhi laboratory mein kabhi nahi bana aur kabhi ban bhi nahi sakta. Ye sirf kheton mein hi pakega aur aapke haathon se hi pakega, isliye hum aapke bahut bahut shukrguzar hain. And coming to the topic today is one of the questions that was shared with me was branding. I would just share a thought or two on that this subject also breached in the last or the previous session. Ke what is branding or Indian cotton jo brand hua hai, uska maayna kya hai and what can be next possible for us? So, branding is like trust. Ek vishwas ka setu hai. Aur price ke daire se bahar nikal kar, value ke daire mein agar aana hai, to usi ko hum branding kehte hai. कि जब कस्टमर कुछ खरीदता है तो वो भाव के पीछे इतना ध्यान नहीं देता, वो सोचता है कि कौन सी कंपनी ने ये बनाया है या कौन सा ब्रांड है ये जो मैं खरीद रहा हूँ. रेमन का सूट जो भी खरीदता है उसको पता है कि 10,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी शादी के वक्त हर एक जन सपना देखता है, काफ़ी जन खरीदते हैं, वो रेमन का ही सूट होता है. तो इसको ब्रांडिंग की वैल्यू बोलते हैं. अमूल भी ऐसा है और ऐसे ही एक ब्रांड है द ट्रस्ट प्रोटोकॉल. अमेरिका में ये मुहिम शुरू हुई 2-3 साल पहले कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लोगों को हमारे पे इतना विश्वास बैठे कि अपने से ज़्यादा वो हम पे ट्रस्ट करने लगे. और वही फाउंडेशन था ट्रस्ट प्रोटोकॉल का. उसी पे मैं इनवाइट करूँगा आज के मंच को और सिटी को और सभी एसोसिएशन को. कैन वी रिक्रिएट एंड रीथिंक द रियल वैल्यू ऑफ ब्रांड. अब आते हैं इंडियन ब्रांड के ऊपर. कस्तूरी कॉटन ये एक ब्रांड अनाउंस हुआ 7 अक्टूबर, जो दूसरा विश्व कपास दिवस था. 7 अक्टूबर ये विश्व कपास दिवस के हिसाब से मनाया जाता है. 2019 में उसकी शुरुआत हुई थी और दूसरे विश्व कपास दिन के अवसर पर कस्तूरी कॉटन ब्रांड अनाउंस हुआ. अभी इस ब्रांड में क्या कहा गया था कि कस्तूरी कॉटन इस मैंने कुछ लिखा है पॉइंट्स के, वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी एंड इंडियननेस, ये डेफिनेशन है. तो कस्तूरी कॉटन डिनोट्स वेल मेड कॉटन, होपफुली विच इज लेस कंटेमिनेटेड, पर ये एक अंदाज है. तो कस्तूरी कॉटन ने एक काम ये किया कि जिस बेसिस पे इंडियन कॉटन डिस्काउंट हो रहा है कंटामिनेशन, उसको हैंडल किया और लेस कंटामिनेटेड कॉटन मिलेगा, ये एक बेस बनाया इंडियन कॉटन के लिए ब्रांड के हिसाब से. पर मुझे लगता है कि इसमें और बहुत कुछ हम कर सकते हैं. अगर हम डीपर पेनिट्रेशन चाहते हैं, अगर हम कोई ट्रस्ट प्रोटोकॉल जैसा वैल्यू चाहते हैं, तो इस ब्रांड को और हमें डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, तो पैरामीटर्स में करना पड़ेगा. तो देयर हैज टू बी बेसिकली अ कैटेगराइज, कैटेगोलॉग एंड असॉर्टेड सेट ऑफ पैरामीटर्स विच आर कंसिस्टेंट इन एवरी डिलीवरी. कोई ये नहीं बोले कि अगली डिलीवरी कैसी होगी. हमारा ये डिक्लेरेशन है कि इस ब्रांड की डिलीवरी ऐसे ही होगी. और यही ट्रस्ट जो बनेगा वो इंडियन कॉटन को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकता है जो पूरी इंडस्ट्री को हेल्प करेगा. क्योंकि लोग जिस शान से कहते हैं कि हम अमेरिकन पीमा यूज करते हैं, पहले बोलते थे, अब बोलते सुपीमा यूज करते हैं, या हम गीजा यूज करते हैं, या मैं गीजा का शर्ट पहनता हूं, तो क्या उस दिन कहेंगे कि हाँ मैं कस्तूरी कॉटन का शर्ट पहनता हूं? क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी समय था जब जापान ने अपने एक शर्ट को शंकर सिक्स नाम दिया था? तो उन्होंने इंडियन कॉटन की वैल्यू की एक समय में और उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया, उसको कैटेगराइज किया और उसको असॉर्ट किया कि इस तरह का अगर वो शर्ट बनता है तो वो शंकर सिक्स शर्ट कहलाएगा. तो कैन वी नॉट क्रिएट और रिक्रिएट दैट ब्रांड? तो रीथिंकिंग का मेरा जो
डेफिनेशन है वो है फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी विच इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल. तो इस स्ट्रैटेजी को पकड़ते हुए और ब्रांड की महत्ता को समझते हुए अगर हम आगे काम करते हैं और इंडियन कॉटन को कस्तूरी कॉटन ब्रांड को पैरामीटर्स में बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया राह देख रही है इंडियन कॉटन के उस रूप को देखने के लिए और इंडियन मिल्स को भी उसका डायरेक्ट फायदा होगा. अब इकोनॉमिक बेनिफिट एक ब्रांड का क्या हो सकता है, तो एक है प्रेडिक्टेबल डिमांड. आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या भाव में उसका कपास बिकेगा. इस साल तो लॉटरी लग गई, बोलने वाले अगले सेशन में बोल गए कि इस साल ही किसान की इनकम डबल हो गई. मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं मेरी इनकम कितनी डबल हुई है. 6000 के एमएसपी में मुझे 12000 के भाव पूरे कपास के नहीं मिले हैं. मेरे पास सिर्फ 60% कपास बचा था. इतना दिन रात कपास का स्टडी करने के बावजूद, इंडिया का एकमात्र कॉटन वैल्यूअर होने के बावजूद, कॉटन गुरु को यह नहीं पता था कि यह 6000 की बजाय 13000 होने वाली है. तो एक किसान को कौन जाके बताए और उस किसान के उस दिन के खर्चे को कौन फेस करेगा जो उसको रबी क्रॉप के लिए चाहिए. तो 80% छोटे किसानों ने तो नवंबर में ही कपास बेच दिया था जब 7000 थे 8000 के भाव थे. तो सबकी इनकम डबल नहीं हुई है सर. और दूसरा कि उनकी उपज कम हुई है. आज किसी किसान से पूछ लीजिए कि गत 5 वर्ष के कंपेरिजन में उनकी उपज बढ़ी है या कम हुई है गए साल में. कोई एक किसान बता दे मेरा यील्ड बढ़ा है लास्ट ईयर में. तो हम बेसिकली बात करते हैं कि ब्राजील में बारिश को उस तरह डिफाइन किया, इन्होंने ये किया वो किया. साहब 5000 सालों से कपास की खेती हो रही है, कितने मौसम हमने देख लिए. क्या बारिश के कम ज्यादा होने से हमारी उपज 30-40% कम ज्यादा होने वाली है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यही इंप्लीमेंटेशन हमने किया है. क्लाइमेट रेसिलियंट एग्रीकल्चर सिर्फ पेपर पे नहीं है. आर वी अवेयर टू द फैक्ट दैट क्लाइमेट रेसिलियंट एग्रीकल्चर बनाने के लिए हमें सीड्स भी भारत के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करते हुए बनाने पड़ेंगे. जो सीड इजराइल में और ब्राजील में चलते हैं क्या वो सीड इंडिया में चलेंगे, और अगर नहीं चलेंगे इंडियन इंडस्ट्री को एक हाई स्ट्रेंथ वाला कपास चाहिए, इंडियन जिनिंग इंडस्ट्री को एक हाई जिनिंग आउटन वाला चाहिए, किसानों को लंबे तार वाला कपास चाहिए, हाई यील्ड वाला कपास चाहिए. तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि सीड इंडस्ट्री समझे और इस तरह के सीड बाजार में लाए. आज आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो खड़े होकर पूछ लिया इस टाइप के, आपके पास कितने सीड है मैं खरीद सकता हूं. मार्केट तो है, पर क्या हमारा थॉट प्रोसेस उस तरह है कि क्या चाहिए. और हम उम्मीद करते हैं कि एक एक किसान कंटामिनेशन के प्रॉब्लम को हैंडल करेगा. 65 लाख किसान कंटामिनेशन के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, अपने खेत को नहीं हैंडल कर सकते. 2.5 एकड़ का तो होल्डिंग है हमारा, फिर भी किसान को लेबर नहीं मिलता. 40% कॉस्ट तो लेबर का हार्वेस्टिंग का है. तो टेक्नोलॉजी वहां लगाए जहां पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो. और वो दो सजेशन मेरे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पावर को हम अभी तक समझ नहीं पाए. अकेला किसान ये नहीं कर पाएगा, पर अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई तो 100 करोड़ तक तो आपकी प्रॉफिट फ्री ऑफ टैक्स है. और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नेगोशिएशन पावर बहुत अलग होता है, उसके इनपुट में नेगोशिएशन पावर का अलग होता है, उसके अंदर जानकारी नॉलेज का पावर बहुत अलग होता है. तो उसका हम एक व्हीकल एक प्लेटफॉर्म बना के यूज करें. और मेरा सिटी और सिटी CDRA से भी ये इन्विटेशन है आपके इसके पावर को समझे. दूसरा है आप एक मिल्का एसोसिएशन है, कैन यू नॉट यूज द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. एक किसान 1.5 एकड़ में कितनी टेक्नोलॉजियां लगाएगा, कितना दिमाग लगाएगा, कितने टाइप के सीड लगाएगा. लेकिन अगर एक इंडस्ट्री 500 एकड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेती है 150 किसान के साथ में, आज तो गवर्नमेंट 50 ईयर्स का लीज भी परमिट करती है जिसमें किसान को एग्जिट का चॉइस भी बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में है. मेरी अभी लास्ट वीक में गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात हुई, वो बोले अभी पहले से माइंडसेट बहुत चेंज है, सिर्फ किसान के फेवर में नहीं है, इंडस्ट्री और किसान के बैलेंस फेवर में है. बैठ के बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. तो ये दो चीज़ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हो सकती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही यहाँ से मदद मिलेगी. यील्ड बढ़ाना पर्टिनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. अगर यहाँ से यील्ड नहीं बढ़ा, 2019 में कॉटन एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि सोचिए अगर एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया कॉटन सरप्लस कंट्री नहीं रही तो क्या होगा.
बहुत लोग हंसे थे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, इंडिया के कपास का किसान को रात को नींद में जगाओ, भाई साहब क्या उगाने वाले हो कपास। आज आप मस्टर्ड को देखिए, आज आप सोयाबीन को देखिए, आज आप चना किस तरफ जा रहा है उसको देखिए, आज आप धनिए को देखिए, मिर्ची को देखिए, उसके भाव एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई है। तो किसान को क्या जरूरत है सिर्फ कपास उगाए और 6 महीने का क्रॉप उगाए, नहीं, हमें उसको एक पॉजिटिव चॉइस देनी पड़ेगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर दोज पावरफुल पॉइंट्स। आई थिंक योर 2 पॉइंट्स आर वेरी वैलिड, द एफपीओ पावर एंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पावर एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवरी थ्रू ब्रांडिंग। आई थिंक दोज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So I think we have got some excellent points from all. We have exhausted our time, but one thing is very clear, and this would be my concluding remark, that we have many points coming from different stakeholders. I think there should be a forum, there should be a kind of a group which includes the textiles, agriculture ministries, and the seed industry, textile industry, and other stakeholders like this. We should sit together and then create a plan of action for next 10 years. Because I think otherwise what happens is that all these things will go in the air, and there might be proceedings of this conference, but where will it get crystallized into an action plan is a question mark. I think government should set up a committee like that, a group with a target to define, maybe this is the technology mission we are talking about. So what do we want to do in the next 10 years? How do we want to reach that 750 kg or 800 kg? And then these are all the different components. They must be added together. So that would be my final conclusion. I request Madam to give her final words. Ramji, thank you. Madam, one sentence if you permit me. Sure. Management guru C.K. Prahlad had said that preserve the past and act in the present so that you can create the future. So CDO ki zarurat unhe hai, jinhe hai chhat pe jana. सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना, जिनका निशा हो आसमां उन्हें है अपना रास्ता खुद बनाना। थैंक यू।